वंदे मात शारदे नमन सुधि श्रोताओं को मंच पे विराजे कवि गण को प्रणाम है। सीधे सीधे वचनों में सीधी सीधी बात करूं, मंच की मर्यादा मेरी वाणी पे लगाम है कि हास्य श्रृंगार में करूंगा सीधी सीधी बात, हो सके सवारूंगा ये काव्य मई शाम है। 40 इंची पेट और 90 किलो वेट मेरा, धीरे धीरे बरसूंगा बादल में रोना। क्या बात है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 2-3 मेरे खास दोस्त यहाँ अभी और थे, उन्हें कहीं उठाकर ले जाया गया, अच्छा नहीं लगा मुझे, दिल टूटा मेरा। ऐसे अच्छे लोग भी आयोजन में होने चाहिए। आप यूं ही आगे बिना मतलब खाना वाना खा के तो आए, अगले आदमी खा पी के आए थे, अगले आयोजन में पूरी तैयारियों के साथ आए थे, आपने उनकी तैयारियों को हाडा साहब ध्वस्त करवा दिया। वो अच्छे लगते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, वो देखो मनमोजी लोग होते हैं, थोड़ी सी रासायनिक क्रिया के बाद वो ईश्वर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक आदमी मुन्ना भाई, अपनी मस्ती में टोल, इतना टोल कि 8 बज गई, उधर पुलिस की गाड़ी आ गई, शटर धाका दिखे मैं डाउन हो गया। वो टोल 5-5:30 बजे उसकी टोलनेस कम हुई तो उसने अपना टोल निकाला और वहां लिखा हुआ था नंबर सेल्समैन का, नंबर लगाए, भैया तेरी दुकान कितने बजे खुलेगी? वो बोला 10 बजे। थोड़ा जल्दी नहीं खोल सकता क्या? तो यार तेरे को चापर है तो 9:30 खोल दूंगा। फिर आधे घंटे बाद फिर फोन कर दिया, ओ भाई साहब तेरी दुकान कितने बजे खुलेगी? वो बोला यार बोला ना मैंने 9:30 खोल दूंगा, तेरे को और जल्दी तो 9:15 खोल दूंगा। आधा घंटे बाद आड़ा साहब फिर फोन कर दिया उसने, तेरी दुकान कितने बजे खुलेगी? तू बोल कहाँ से रहा है? मैं दुकान के अंदर से बोल रहा ना। तू जल्दबाजी में शटर खींच गया, तू जल्दबाजी में शटर खींच गया, मैं अंदर ही हूँ तब से। ये लोग बहुत आनंद देते हैं। एक ऐसा ही आदमी रात भर ठेके के बाहर रहा पड़ा, सुबह ही उठा घर पे आ रहा, मकान सकड़ी गली में बिल्कुल, उसको पता ही नहीं पीछे किसी की डेथ हो गई, उधर से सब यात्रा आ रही, गली इतनी सकड़ी कि वो जो कांदा वाले भी बहुत यूं करके आ रहे। अब इधर से वो आ गया, आयो लाल झूले लाल, हम चोड़े बाग 4 सकड़े। उसने बहुत कोशिश की, वो कोशिश करते करते भी हिला, जो खांदो वालो आ गए आगे को जिगर टल्लो लागियो, मुर्दा नीचे। इतना बड़ा अपमान होता है हिंदू संस्कृति में, मुर्दा नीचे गिर जाए। कंधे वालों ने फट उसको 2-4 लाते घूमे मार के उसको पातल कर दिया, लाते घूमे खा के उठा और उसका तर्क देखो मुन्ना भाई। वो बोला हा जो पढ़ियो जो तो बोल ही नहीं रही और थे बचपन ही नेता बन रहा हो। आज की रात मंच पे इतना हास्य हो चुका है, हास्य की कोई जरूरत नहीं है भाई। रोहित पूरा जन्नाट, जन्नाट की तो जन जनाहटी है, बहुत हास्य किया इन्होंने, सब लोगों ने बहुत अच्छा, ना तो अद्भुत ही है। मुझे वैसे हास्य नहीं करना चाहिए, पर मेरे साथ दिक्कत पारस जी ये है कि मुझे भी थोड़ा बहुत हास्य करने के लिए बुलाया जाता है। अब जब इतना हास्य हो जाए तो मेरी हालत वो हो गई कि एक बार एक गौशाला को सांड बूढ़ो हो गयो, बूढ़ो की हो बेच को ही पड़ गयो गौशाला को सांड, बूढ़ो एकदम नीचे ही पड़ गयो। मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि नया सांड मंगाया जाए, मुन्ना बेटी टाइप का नया ताजा ताजा बढ़िया सा अष्टपुष्ट। अब जब वो नया सांड मेटाडोर से लाया गया मेटा और मेटाडोर अंदर घुसी गौशाला में, वो बूढ़ो सांड समा शाम नीचे बेच क्यों ऊटनी भी नाव है। जब मेटाडोर आके रुकी और जवान सांड को उतारा जा रहा था तो बूढ़ा सांड मेरे टाइप का खुर ठपकारने लगा, अपने पैर के पंजों को ठपकारने लगा
तो आसपास की गायों ने कहा कि तू बूढ़ा है, फिर पेट क्यों ठपकार रहा, खुर क्यों ठपकार रहा। उसने कहा था काम करो, बूढ़ो हूँ जो तुम मन ही ध्यान, पर यो सांड भी खिटे मन भी गाय ने समझ ले। इसलिए मैं केवल अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा हूँ। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, हमें सोन जी को सुनना है, राधिका को सुनना है, बाबू बंजारा जी को सुनना है। पर इसका मतलब ये थोड़ी जो मुँह यूं ही बैठ जाऊं, मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ आपको। मैं पिछले 5-5.5 महीने हुए आके गया हूँ, मैं मान मर्यादा पूर्वक घोषणा करता हूँ उनमें से एक भी गीत नहीं सुनाऊंगा, मैं दूसरे गीत सुनाऊंगा जो मैंने यहाँ नहीं सुना। वाह वाह वाह, तालियां इस बात पे भी बज जी, बिल्कुल बजनी चाहिए। मैं एक मास्टर हूँ, हालांकि आजकल तो मैं वैसे लेक्चरर हूँ, पर केवल लोग बाग मार साहब भी है, हूँ भी वही। मेरा सब्जेक्ट रहा दोस्तों मैथमेटिक्स, जिसमें हास्य कभी आता ही नहीं। एक दिन मैं क्लास में था, 8वीं क्लास का एक बच्चा खड़ा होकर बोला, गुरुजी संस्कृत वाले सर बोल रहे हैं, बोलते हैं अक्सर भो गदर्भ है तो हम कुत्र गच्छसी, अंग्रेजी वाले बोलते शट अप इडियट नॉनसेंस, आप गणित में क्यों नहीं बोलते, आप गणित में क्यों नहीं बोलते। तो मेरे अंदर बैठा हुआ मास्टर गणित का जागा, मैथमेटिक्स को चैलेंज किया, मैथमेटिक्स ने जवाब दिया, विषम संख्याओं की उत्पत्ति, विषम संख्याओं की उत्पत्ति ज्यादा 3-5 मत कर, नहीं तो 2 अंगुली और 1 अंगूठी से कान पर 90 डिग्री का ऐसा चाप घुमाऊंगा कि 9 2 11 हो जाएगा। घर आया, पास के मकान में अंग्रेजी के मास्टर रहते, उनकी पत्नी से मेरी पत्नी बोल रही, अंग्रेजी वाले मास्टर की पत्नी से मेरी पत्नी बड़ी जोरदार जेन साहब कर शिकायत कर रही, थाने सीमा का पापा कम ये अंग्रेजी में बोलता होगा, गेट आउट अंग्रेजी में बोलता होगा, आई लव यू भी अंग्रेजी में बोलता होगा, माँ के देखो पिंटे का पापा ने, शादी ने 17 साल हो गया, आज दन तक खदी गणित में न बोलिया। माई गुटे आ जाऊं ले, हूँ लोकली हूँ बेटा, आज दन तक गणित में न बोलिया, भगवान जाने मास्टर छे के बाबू बाबू ने। तो मेरे अंदर बैठा हुआ गणित का मास्टर जागा और मैंने उसको गणित में समझाया, गणित की बातें सुनी होगी आपने, चुटकुले सुने होंगे, देश का पहला कवि जो गणित का गीत लिखकर आपको हंसाने की कोशिश करता है। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा भाई, वाह, ताकि अवांछित शोरगुल मुझ तक न पहुंचे। जय हो गुरुदेव, स्वागत है। मैंने मेरी पत्नी से कहा जी, और मारी गुणन खंड सिनार काल जो मत बाल, हाय हाय, थन समझाऊं 100 बार काल जो मत बाल, मारी गुणनखंड भी ऐसे ही नहीं कहा, जितना चाहो उतना विस्तार, जितना चाहो उतनी संकीर्णता, नारी में ही संभव है। क्या बात है दादा, और मारी गुणनखंड सी नार काल जो मत बाल, क्या बात है, थन समझाऊं 100 बार काल जो मत बाल, अर ज्योमेट्री तू ज्योमेट्री बॉक्स कंपास, हर ज्योमेट्री तू बनी छोरा चंदा परकार काल जो मत बाल, मारी गुणन खंड सिनार काल जो मत बाल। पहला बंद निवेदन करता हूँ, दशमलव सी आख्या थारी, क्या ऑब्जर्वेशन है, दशमलव सी आख्या थारी न्यून कोण सा कान, हाय हाय, त्रिभुज जेड़ो नाक नाक की नथने त्रिज्या जान काल जो मत बाल, मारी गुणन खंड सिनार काल जो मत बाल, रेखा खंड सरीखी टांगा बेलन जेड़ा हाथ, और समसट बुज सा मुंडा पर थारे माक्या की बरात काल जो मत बाल, आई गुणन खंड सिनार वक्र रेखा सी पलका
सौंदर्य देखिए, श्रृंगार का कवि भी हूँ, वक्र रेखा सी पलका और सरल भिन्न सा दांत। दांतों को देखो तो ऐसा लगे से 3/4 ऊपर के छोटे नीचे के लंबे। 3/4 वक्र रेखा सी पलका और सरल भिन्न सा दांत। जय हो। मजला कोष्टक सा हो ठा पर टप 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 करी लाल काल जो बाल मारी गुणन खंड सीनार। पंक्तियां निवेदन करता हूँ। आयत जेड़ी पूरी काया आमने सामने की भुजाएं बराबर। लिखे पढ़े लोग हैं, गणित के सूत्र जानते हैं। आयत जेड़ी पूरी काया जाने ना हानि लाभ। लघुतम समाप वर्तक महतम समाप लंबा होता है। सोल्ट में लेसे पे मैसे पे लिखते हैं। पंक्ति सुनिएगा, प्रयोग देखिएगा जी। आयत जेड़ी पूरी काया जाने न हानि लाभ अर तू लसप मुंह में तू लघुतम में महतम तू लसप मुंह में सप चुप रे गन गनाब काल जो मत बाल मारी गुणन खंड सीनार काल जो मत बाल। आखिरी बंद निवेदन करता हूं। विवाह को गणित में क्या कह सकते हैं जी? वाह, कोशिश मेरी, समर्थन आपका मांगता हूँ जी। अब दादा आखिरी बंद निवेदन करता हूँ इस गीत का। थारा मारा गुणा सु थारा मारा गुणा सुयो फूट्यो मारो भाग आरोही जीवन में जाने कहाँ जाता आरोही अवरोही हो गयो मुंडे आज्ञा जाग काल जो मत बाल मारी गुणन खंड सीनार काल जो कमाल है। कमाल कमाल।